हे गाइस, तो आज मैं बताऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करना है और उसमें सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज कैसे यूज़ करना है। तो अपने ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे आप इसको इंटर मारेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको दिख रही है, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर दे रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज, आपको यह इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करता हूँ, मैं इसका लोकेशन सेट कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो गया है, इसको मैं अभी इंस्टॉल करता हूँ। तो आपको यहाँ पर आ जाना है, डाउनलोड वाला है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन के इंस्टॉल। तो यहाँ से मेरा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो गया है, यहाँ पर मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ड्राइव में और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ फाइल पे, उसके बाद यहाँ पर करना है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर पर आने के बाद आपको आना है ये अपने जहाँ पर रिव्यू बनाया है इसको, उसके बाद सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ये मेरा फोल्डर आ गया, इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा फोल्डर आ चुका है, उसके बाद इस पर क्लिक करना फर्स्ट वाले पे, यहाँ पर ये फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सचिव डॉट सी। उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है एक्सटेंशन पे, यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर लिखना है सेकंड वाली आ रही है येलो कलर की, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और सर्च करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सी प्लस प्लस ये आ गया मेरा। तो आपको ये जो फर्स्ट वाली है इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा जो सी प्लस प्लस का है ये भी इंस्टॉल हो गया है एक्सटेंशन। अभी इसको मैं ये दोनों को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे सी लैंग्वेज काम करेगा। तो आपको आना है फिर से अपने ब्राउजर पे और यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर एक सर्च करना है मीन जी डब्ल्यू। तो उसके बाद ये जो फर्स्ट वाली आ रही है वेबसाइट, इसको आपको ओपन कर लेना। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ओपन किया, ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको ऐसे मेन जी डब्ल्यू गेट सेटअप का आ जाएगा, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके ओपन करना है। इसको मैं ओपन करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर थोड़ा डाउनलोड होता है, जो आपके इंटरनेट के हिसाब से रहेगा, ये इतना फास्ट आपका इंटरनेट है। यहाँ पर अभी कुछ ही सेकंड में मेरा ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये मेरा हो गया है, अभी मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जितने भी बॉक्सेस है इस सभी को आपको इनेबल करना है। यहाँ पर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए कोडिंग करने में, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सभी जितने भी बॉक्स है सभी को आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दो। यहाँ पर ये मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे क्लोज किया,
इसको भी क्लोज कर दिया। तो आपको यहाँ पे आना है अपने कंप्यूटर फोल्डर में, उसके बाद आपको सी ड्राइव को ओपन करना है। कोई मिन जी डब्ल्यू नाम का एक फोल्डर दिख रहा है, इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद बिन को ओपन करना है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला सर्च बार में है, इसको पूरा कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया। फिर आपको आना है सर्च बार में, यहाँ नीचे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है एडिट इन्वायरमेंटल। तो आपको ये जो फर्स्ट वाले जो है ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल को आपको ओपन करना है। ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस पाथ को डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी कर देना है, जो भी आप वहाँ से कॉपी किए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है यहाँ को। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ओके, उसके बाद यहाँ पे ओके, ठीक है। अभी मैं आया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे मैं अपना जो एक कोड है इसको रन करके मैं यहाँ पे दे दूँ। क्लोज करके फिर से उसको ओपन कर लेना है, फिर मेरा यहाँ पे सब प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रन कोड करता हूँ, यहाँ पर अभी मेरा ये रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है टेक MS Foreman। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।